तो सिमरन, तो फिर तू सच में मेरे साथ बिरयानी बनाएगी आज? और मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगी कि मैंने बिरयानी सीखी बनाना आज। अच्छा, पक्का? हाँ। मैरिनेशन के लिए हमने लिया है एक बड़ा कटोरा दही, लगभग 200 ग्राम्स, होममेड गरम मसाला पाउडर। इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और एक नींबू, हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया लीजिए, और 3 से 4 हरी मिर्च फाइनली चॉप की हुई। और ये है तली हुई प्याज जो मैंने पहले से फ्राई करके रख ली है, ताकि हमारा टाइम भी इसमें बचेगा और जल्दी से झटपट चिकन बिरयानी बन जाएगी। तो एक बड़े बॉल में हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं, ठीक है सिमरन? तो ये दही पहले इसमें डाल दो। ओके मम्मा। अब मिर्ची और हरा धनिया। तो अब ये जो आधा किलो प्याज हमने तल के रखी है, इसमें से आधी से थोड़ी ज्यादा प्याज हम इसमें डाल दें। मैं डाल दे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। क्वार्टर चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच नॉर्मल चिली पाउडर, 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच होममेड गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 चम्मच नमक। अब सिमरन इसको अच्छे से सब मिक्स कर दे। ओके। और हाँ, इसमें थोड़ा 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल भी डाल देना, 1 से 1.5 चम्मच। अभी चिकन डाल के अच्छे से मिक्स कर दे, ठीक है? ओके मम्मा। सिमरन ये तो हाथों से ही करना पड़ेगा। अरे मम्मा, मैं चम्मच से ही कर लेती हूँ ना। ठीक है, ट्राई कर ले फिर। और ये है कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते। तो अब हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया है, तो इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे। आप चाहो तो 1 घंटा भी रख सकते हो, अप टू 24 आवर्स तक आप रख सकते हो। ये मैंने लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है बिरयानी के लिए। 750 ग्राम्स चिकन में 750 ग्राम्स राइस ही चाहिए, या आप चिकन ज्यादा और चावल थोड़ा कम भी ले सकते हो। इसको मैं अच्छे से 3-4 पानी में धो के और अभी भिगो देती हूँ, यानी कि बनाने से लगभग आधा से पौना घंटा पहले। 5 बड़े टमाटर हैं और इनको बारीक चॉप कर लेना है। ठीक है, चल फिर गैस चलाते हैं। सिमरन, अब इसमें 6 से 7 बड़े चम्मच तेल डाल देना। तो अब ये 2 तेज पत्ते और 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा तेल में डाल दे। अब टमाटर डाल देते हैं जो फाइनली चॉप करके रखे थे, ठीक है? ओके मम्मा। तो अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे, जितना टमाटर है उस हिसाब से, और उसको अच्छे से चला दे। मम्मा ये फ्राई हो गया अब? हाँ, अब इसमें डाल देना है धनिया पाउडर। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, ठीक है? हाँ। चल अब मिक्स कर ले इसको। ये बिरयानी मसाला है मेरे पास, ये मैं डाल देती हूँ लगभग 1 बड़ा चम्मच। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपना गरम मसाला पाउडर तो डाल ही रहे हैं होममेड। तो ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा था ना हमने, अब इसको डाल दें इसमें।
अच्छे से मिक्स कर दें। और दो बड़े चम्मच ये तले हुए प्याज, अभी इसको हम स्लो गैस पे कर देते हैं, मसाला भुनता रहेगा, चिकन भुनता रहेगा, ठीक है। और फास्ट गैस पे हम क्या रखते हैं अभी, चावल रख देते हैं। वेरी गुड। और यहाँ हम रख देते हैं चावल। तो पानी हमें इतना रखना है जितना नॉर्मली हम चावल पकाने के लिए यूज करते हैं ना, उससे डबल, ठीक है। हाँ। तो ये मैंने लिए हैं कुछ तेज पत्ते और ये दालचीनी दो टुकड़े, 4 से 5 लौंग, अराउंड 15 काली मिर्च, 1 चक्री फूल, 2 हरी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 1 छोटा चम्मच जीरा। हाँ, ये सारे मसाले डाल दे पानी में। अब ये नमक हम इसमें डालेंगे, तो यूजुअली इतने चावल में हम जितना नमक डालते हैं ना, उसका डबल नमक डालेंगे, क्योंकि ये पानी हमको निकाल लेना है चावल में से, तो नमक डबल चाहिए। ओके मम्मा। तो इसको भी साथ साथ में भूनते रहना है हमें, और चावल का पानी भी बॉईल हो रहा है। ये जब एकदम अच्छे से बॉईल होने लगे ना, तब इसमें चावल डालना, ठीक है। अब हम अपना चावल चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखा कैसे बॉईल आ रहा है। तो इसको स्लो पे करके सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो है ना, इसका जो गरम मसाला तुम लोग फेंक देते हो ना, खाते नहीं हो ना, इसको निकाल देते हैं। दो तीन बूंद तेल और 1 छोटा चम्मच नींबू लेमन जूस, नींबू का रस। इससे क्या होगा कि चावल खिले खिले बनेंगे। अब 2 मिनट बाद इसमें चावल डाल देना। ओके। अब ये चावल जो भिगो के रखे थे हमने, इसको हम इस बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे, ठीक है। हाँ, गैस लो करके। तो अब 10 मिनट हो गए हैं चावल को पकते हुए, तो इसको चेक कर लेते हैं कैसा बना है। ये टूट रहा है पर एक कणी बाकी है, तो ऐसे ही बिल्कुल चावल चाहिए हमें, तो इसको हम एक स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ। तो ये गैस मैंने स्लो कर ली है, अब इसमें से आधे चावल हम निकाल लेंगे, ठीक है, एक स्ट्रेनर में। तो ये चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट 85-90% पक चुका है, तो इसकी भी गैस बंद कर देते हैं। और ये बाकी के चावल जो बचे थे, वो हमने 5 मिनट बाद गैस बंद करके और एक दूसरे स्ट्रेनर में निकाल लिए हैं। अब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। ये है तली हुई प्याज जो बची हुई हमने रखी थी, और ये है तली हुई प्याज का तेल, इसको हम यूज करेंगे, कच्चा तेल नहीं यूज करेंगे। ये मैंने दूध में कुछ 8-10 स्ट्रैंड्स केसर के भिगो दिए थे गरम दूध में कुछ आधा पौना घंटा पहले। और ये है केसरी फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। यहाँ है कुछ पुदीने के पत्ते जो मैंने धो के साफ करके रखे हैं, और हरा धनिया। तो सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें 2 किलो चावल आ जाएंगे, और उसको गैस पे रख देंगे। घी डालेंगे 2 चम्मच। इसमें से अब हम आधा चिकन ले लेंगे यहाँ स्टोव में, और आधा मसाला ले लेंगे। जल्दी जल्दी बना दो। पेशेंस पेशेंस। अब इसके ऊपर ये राइस हम डाल देंगे जो हमने पहले निकाले थे। अब इसमें डालेंगे ये तली हुई प्याज, हरा धनिया, पुदीना,
तली हुई प्याज का तेल, केसर वाला दूध, अगर केसर ना हो तो सिर्फ दूध डालें। दूध को स्किप ना करें क्योंकि इससे चावल ड्राई नहीं होंगे, सॉफ्ट बने रहेंगे। ऑरेंज फूड कलर ये ऑप्शनल है। अब हम बाकी का सारा चिकन डाल देंगे। फिर हरा धनिया, और वो चावल जो हमने बाद में स्ट्रेनर में डाले थे। अब हम इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। कलर हम बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। तली हुई प्याज का तेल, तो बेसिकली ये सारे इंग्रेडिएंट्स की लेयरिंग है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है वो बारी बारी लेयर करते रहना है। तली हुई प्याज, हरा धनिया, ये ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये दम पे लगाने के बाद काला हो जाता है, और जो बचा हुआ केसर का दूध था वो सारा दूध। अब मैं इसके साइड्स में थोड़ा सा घी डाल दूंगी ताकि ये चिपके नहीं। अब इसको ढक के रख देंगे। तो इसके ऊपर मैंने ये टोप रख दिया है पानी भर के ताकि वजन हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पे गूंदा हुआ आटा लगा के भी दम दे सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक मैं फ्लेम हाई पे रखूंगी, और इसके बाद में मैं एक तवा यहाँ गरम कर लेती हूँ लोहे का। मम्मी अब ये तवा गरम हो गया है, इसको उठा और इसको इधर रख दे। ओके। और गैस हम करेंगे सिम पे और इसको 20 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और गैस बंद करने के बाद भी 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसे चेक कर लेते हैं। देख सनी, एक एक दाना अलग है, अच्छे से पक गया है ना? हाँ, वो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, गरम गरम धुआं। हाँ, गरम है एकदम, धुआं भी निकल रहा है, टेस्टी दिख रहा है। तो चल फिर इसे सर्व कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी दे दो। इसको पकड़ेगी? दोनों हाथ से पकड़। देखा, मसाला और चावल एकदम बराबर प्रोपोर्शन में है ना? यम्मी। तुझे इसमें क्या पसंद है? मसाले की गोली आ रही है ना इसमें? सिमरन, ऐसी मसालेदार बिरयानी बनाने का सीक्रेट समझ में आया कुछ? क्या इसमें मसाला बहुत चाहिए? यानी कि प्याज है ना जो हमने तली हुई यूज की है, वो बहुत चाहिए। अगर हम वो कम डालेंगे तो अच्छी नहीं बनेगी। और दूसरा, अगर इसमें चिकन कम और चावल बहुत ज्यादा हुए तो भी अच्छी नहीं बनेगी, है ना? तो हाँ, इसके लिए चिकन और चावल का रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। ज्यादा चिकन चलेगा पर कम नहीं होना चाहिए। अब गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया और तली हुई प्याज भी ऊपर से डाल देते हैं। ठीक है, ये गार्निश के बाद कितना अच्छा दिख रहा है मम्मा। सिमरन, बिरयानी टेस्ट करें? हाँ।
देख चिकन भी एकदम अच्छे से पक गया है। चल मम्मी मैं तो हाथ से ही खाऊंगी बिरयानी। हाँ मम्मी ये देखो चिकन कितना अच्छा पक गया है। हाँ और ये बहुत जूसी भी दिख रहा है ना। हाँ चलो टेस्ट करके बता अभी। ऑसम बना है। और चिकन कैसा है? बहुत ज्यादा टेस्टी। जूसी भी है ना? बहुत ज्यादा टेस्टी है। आप भी टेस्ट कर लो मम्मा। अगर आपको बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।